DJI Mini 4 ड्रोन, देखते हैं कि यहाँ पे कितने प्राइस में मिलता है और क्या हम वो लेने वाले भी हैं या नहीं। मलेशिया में बहुत सारे DJI के स्टोर हैं, बट जिस स्टोर में हम गए थे वो DJI पवेलियन स्टोर था और वो पवेलियन मॉल में था। सो इसके लिए आपको बुकिट बिंटांग स्ट्रीट में जाना पड़ेगा और बेसिकली वो एक मॉल भी है और अंदर जाके आप फोर्थ फ्लोर पे जा सकते हैं। सो हाय गाइस, वी हैव रीच्ड टू द DJI पवेलियन स्टोर एंड सो वी आर प्लानिंग टू बाय दिस DJI मिनी 4 प्रो एंड वी आर इंक्वायरिंग अबाउट इट, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ दिस then the DJI Mini 3 Pro and what are the cost here, and if you are coming to Malaysia then you can visit this store and buy it. So we can give all the information in our vlog. We have Nabia with us, so who works here, and like I called in the morning to her to reserve at DJI Mini 4 Pro because we were getting late, so she reserved this one for us. So can you just unbox? Malaysia ek tax free nation hai, इसलिए यहाँ से कोई भी प्रोडक्ट बिना किसी टैक्स GST वैट के मिलता है। हमें भी ये DJI Mini 4 Pro जस्ट 81,000 रुपीज़ का पड़ा था, जो कि आई थिंक वर्ल्ड में सबसे सस्ता है। काफ़ी सारे लोग सिंगापुर से भी परचेज करते हैं, सो वहाँ आपको ये 96,000 का पड़ेगा विद टैक्स। आप GST रिफंड करा सकते हैं जिसमें आपको 5% छूट मिलेगी, बट आप लोग ये ड्यूटी फ्री सेक्शन सिंगापुर से भी परचेज कर सकते हैं जहाँ आपको ये 86,000 रुपीज़ का पड़ेगा। आई हैव ट्राइड माई कजन्स ड्रोन बिफोर बट नॉट ट्रेंड। फ्लाई मोर कॉम्बो किट में आपको मिलने वाला है एक बैग एंड जिसके अंदर सारी एसेसरीज होंगी, जैसे आप देख सकते हैं कि ये है DJI Mini 4 ड्रोन। दिस इज अ गार्ड, या जस्ट फॉर द पॉपुलर स्टफ, दिस वन फॉर द बैटरी, या दैट्स व्हेयर आई एम गोइंग टू आस्क, देयर टू बैटरीज ऑन द वन प्रोटेक्टर। अगर आप फर्स्ट टाइम इसे ओपन कर रहे हैं तो इसके आगे की जो प्रोटेक्शन है उसको बहुत केयरफुली ओपन करिएगा, बिकॉज ये कैमरा बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट होता है और सबसे कॉस्टलीस्ट पार्ट यही है। इसके बाद जो नेक्स्ट आइटम है वो है DJI RC2, और इसमें दो ऑप्शन भी होते हैं, RC1 एंड RC2, बट हमें जो प्रोडक्ट मिला था इसमें RC2 ही अवेलेबल था स्टोर के पास में। इस RC में इनबिल्ट बैटरी है और इसका जो फ्लाई टाइम है वो 2 घंटे के लिए है, इसके बाद आपको इसको चार्ज करना पड़ेगा। नेक्स्ट आइटम है चार्जिंग हब और 3 बैटरी, जिसे आप लोग चार्ज कर सकते हैं 1.5 आवर में, जिसका फ्लाई टाइम 35 मिनट होता है। One point 2 meter. If we click on take off. So this one, let's go up. Down, okay. And then repeat. This one is for the tail, so you can see like that. Then got it. For the back, front, and right, and also left. She's scared. Okay. Yeah. But that one you need to practice a bit. I'm gonna show you how to take off manually. So you need to do like a V shape. Okay. This one, you just go up first. Let's see one catch. You just make sure your palm like this, and you need to catch like that. So let's see. हाँ।
सो अगर आप लोग सिंगापुर ट्रैवल कर रहे हैं तब भी आप लोग इसे चीप में खरीद सकते हैं। सो मैं आपको एक हैक बताता हूँ। सिंगापुर नेबरिंग कंट्री है मलेशिया का, सो सिंगापुर से आप ओवरनाइट बस ले सकते हैं मलेशिया जाने की, बिकॉज मलेशिया एक वीज़ा फ्री कंट्री है। सो आपको वहाँ जाने के लिए कोई वीज़ा नहीं चाहिए फॉर एन इंडियन ट्रैवल, और वहाँ पहुँचने के बाद आप लोग ड्रोन परचेज़ कर सकते हैं और अपनी वापस आने की फ़्लाइट आप लोग मलेशिया से ही रखिए। आप लोग के अब बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे रिगार्डिंग ड्रोन को कैसे पैक करके प्लेन से लाया जाए और रिगार्डिंग कस्टम्स। सो मैं आपको बता दूं, ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है जिसको यूट्यूब में हर किसी ने ओवर कॉम्प्लिकेट कर दिया है, एंड इसके बारे में मैं आपको इन डिटेल रिव्यू दूंगा मेरी नेक्स्ट वीडियो में, प्लीज़ उसको देखिएगा। एंड गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अब इन्जॉय करिए मेरे कुछ ड्रोन शॉट जो कि बिगनर शॉट्स थे, मैंने मलेशिया में बनाए हैं।